नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नवज्योति गोगोई ने आज पुलिस कमिश्नर का पदभार जोधपुर का जो है वो ग्रहण किया। देखिए नमस्ते राजस्थान की पूरी न्यूज रिपोर्ट। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नवज्योति गोगोई ने पुलिस कमिश्नर जोधपुर के रूप में आज अपना पदभार ग्रहण किया। 31 दिसंबर 1972 को आसाम में जन्मे नवज्योति गोगोई एमफिल तक पढ़े हैं और भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन करने के बाद जैसलमेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, भरतपुर, जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण के एसपी के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं नवज्योति गोगोई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। नवज्योति गोगोई एडीसी गवर्नर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जोधपुर में पदभार ग्रहण करने से पहले पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं कमिश्नरेट के आला पुलिस अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करवाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक होगा। ट्रैफिक और संगठित अपराधों पर रोक लगाना, महिला व SC/ST अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई कर अनुसंधान में तेजी लाना और मामलों को जल्द ट्रायल तक पहुंचाना और पुलिस की मॉनिटरिंग पर विशेष जो है वो ध्यान देना, ये उनकी प्रायोरिटीज उन्होंने बताई है। 6 जिलों के ऊपर IG रहे हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि किस तरीके से उनकी जो यह पारी रहने वाली है। और चूंकि ये जो तस्वीर है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब एक सीनियर ICS ऑफिसर जब यहाँ जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर, तमाम यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर वेलकम और के साथ कई तरह की चुनौतियां संगठित अपराधों से अच्छे से निपटते हैं जो पहले से होते आए हैं। और ऐसे में नवज्योति गोगोई को जिस तरह का एक्सपीरियंस भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जिलों पर क्राइम कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि एक आपको जोधपुर सुरक्षित हाथों में गया। जिस तरीके से सीधे 5 साल का वक्त निकालने बाद में पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने जब 1.5-2 साल संभाला था, तब आज फर्क आया है। चाहे फायरिंग के केसेस हो और चाहे हथियारों की तस्करी के, उनको रोकने के लिए भी जो कोशिश हुई है। और आप देखिए कि जो पुराने अधिकारी हैं, पुराने अधिकारियों को जानते हैं, यहाँ करीब करीब 70-80 पुराने अधिकारी हैं। तो ऐसे में कई तरह की जो चुनौतियां हैं उनको आसानी से निपटने में भी कहा जा सकता है कि उसका लाभ जो है वो मिलता नजर आया। लेकिन इनर साइड से जिस तरीके से बच्चों को मजबूत के लिए टास्क है, और ऐसे में माना जा सकता है साथ साथ मुझे लगता है अर्बन पुलिसिंग के हिसाब से यहाँ कुछ चीजें होंगे। और अभी कोविड-19 जो है उसके हिसाब से सरकार की जो भी गाइडलाइंस आएगा उसका स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना ही मेरा वो रहेगा। और मुझे लगता है हम एज ए सिटी यहाँ पे ये और ज्यादा होगा, ट्रैफिक का भी और ज्यादा होगी। बट कुछ चीज ऐसे भी है जैसे समाज में जो कमजोर वर्ग है उनके खिलाफ जो अपराध है उनमें रोकथाम करना, और कोई अगर ऐसा घटना हो तो उस पर त्वरित कार्रवाई करके और सही अनुसंधान करके सजा दिलवाना, ये हमारा मकसद है। संगठित सर आज ज्वाइन किया आपने, किस तरह करेंगे बार बार और किस तरह कोविड के लिए गाइडलाइन लेंगे? आपको मैं अभी जो अपराध में नियंत्रण करना है और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, ये तो कोई भी पुलिस व्यवस्था का प्राथमिकता होती है और मेरा भी रहेगा। साथ साथ इस परिस्थिति में जो कोविड-19 का वो है जो एनफोर्समेंट के लिए जो हमारे गाइडलाइंस जो होता है उसको पालना करवाना, साथ अर्बन पुलिसिंग की जो बात आई है उस पर भी मैं कहा जैसे ट्रैफिक है कुछ असंगठित अपराध का भी है, उनको हम कोशिश करेंगे सही तरीके से, पहले भी इसके लिए प्रयास हुआ है उसको जारी रखेंगे। साथ साथ जो समाज में कमजोर वर्ग है, आप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, SC/ST से हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं,
उनके जो खिलाफ अपराध होते हैं उसको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कोई अपराध घटित हो तो हम कोशिश करेंगे उसको तुरंत कार्रवाई हो, अनुसंधान सही हो और ट्रायल होकर सजा मिले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।